हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए पैनासोनिक का PV100 कैमरा लेकर आए हैं, जिसकी सारी सेटिंग्स के बारे में, मैनुअल सेटिंग्स और ऑटो सेटिंग्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और इसके जो ये की हैं, बटन लगे हुए हैं, किसका क्या काम है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पैनासोनिक का PV100 कैमरा है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें मेमोरी कार्ड कहाँ लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो मेमोरी कार्ड्स लगते हैं। एक देखिए फ्रेंड्स, हमने लगा रखा है 32 GB मेमोरी कार्ड्स। एक इस कार्ड को इस प्रकार से लगाया जाता है, इसमें भी आप लगा सकते हैं। इसमें दो मेमोरी कार्ड लगते हैं, 128 GB तक का मेमोरी कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कौन सा की किस काम में आती है। तो सबसे पहले एक की है जो फोकस बनाने के काम में आती है कैमरे के। इसके बाद दूसरी की है हमारी, ये जूम इन और जूम आउट करने के काम में आती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये वाली हमारी की है, इसे आयरिस बोलते हैं। तो ये हमारी ब्लैक कलर और कलर डाउन और कलर को ज़्यादा करने के काम में आती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे मेन पॉइंट आता है, कैमरे को हम चालू किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कैमरे का ऑन ऑफ का बटन है। इसको हम नीचे प्रेस कर लेंगे तो रेड रेड कलर की आपको लाइट दिखाई देगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कैमरा चालू हो गया है। हम आपको स्क्रीन खोलकर स्क्रीन पर बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कैमरा चालू हो गया है और इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बैक दिखाई देने लगा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस कैमरे की रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट होती है। तो रिकॉर्डिंग के लिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो प्रकार के बटन लगे हुए हैं। जैसे रेड वाला बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्क्रीन पर REC लिख के आ जाएगा। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा REC दिखाई दे रहा है, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। और इसमें एक बटन और होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये बटन है, इससे हम देखिए फ्रेंड्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। और इस बटन से भी हम अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तब भी हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इस पर भी हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। और देखिए, इसी बटन से हम बंद भी कर सकते हैं। अब इस बटन का उपयोग जूम इन और जूम आउट के लिए किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये हमारा बैग रखा हुआ है, इस पर हम आगे की ओर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैग पास में आने लगेगा, यानी ये जूम इन का काम करता है। और पीछे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट पर काम करेगा। और यहाँ से हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है, जिसे हम बंद कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखाएंगे कि जो रिकॉर्डिंग हमने शूट की है वो कहाँ से हमारी दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपको थंबनेल का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पर हमने क्लिक किया तो जो अभी रिकॉर्डिंग हमने बनाई है वो देखिए हमारे सामने आ गई है। जिस पर हम टच कर देंगे तो हमारी देखिए ये दिखाई देने लगेगी। तो इस प्रकार से हम अपनी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बटन हमारे इस काम में आएंगे। इसके बाद हमारा एक बटन आता है, ये मेन बटन होता है, ऑटो और मैनुअल वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कैमरा ऑटो पर लगा है, तो अगर कैमरा ऑटो पर लगा है तो इस पर कोई भी सेटिंग्स काम नहीं करेगी, ऑटोमेटिक ही यह सेटिंग्स को शूट करेगा, जो कैमरे का फोकस बनाएगा अपने आप ही बनाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो मैनुअल सेटिंग है, इसे हम मैनुअल पर क्लिक कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद फिर किस प्रकार की हम सेटिंग लगाएंगे। जैसे कि हमारा ये बैग है, ये काला दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये आयरिस बटन है, इस आयरिस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए फिर फ्रेंड्स, इसको हम मिलाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको अंतर समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल काला हो गया, इसकी लाइट बिल्कुल से बंद हो चुकी है कैमरे की। देखिए फ्रेंड्स, बंद हो गई है। इधर हम करेंगे प्रेस तो इसकी लाइट हमें दिखाई देने लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे और भी ज़्यादा लाइट खुल गई है। तो इस रिंग का उपयोग लाइट को कम करने के लिए और लाइट को ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। और ये वाली रिंग्स इसका जूम के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और भी सेटिंग्स इस कैमरे के अंदर होती है, जिसको हम आपको बताएंगे। जैसे कि आयरिस वाला तो आपने देख ही लिया है, ये लाइट के लिए आता है, बैक लाइट्स
करने के लिए फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर बैटरी फिट की जाती है। तो यहाँ पर आपको बैटरी फिट करने के लिए पहले बैटरी को अंदर ले जाएंगे और फिर नीचे की ओर आप प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी देखिए फ्रेंड्स बैटरी फिट हो जाती है। इसके बाद कुछ और इसमें सिस्टम है, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स ये है एक किस प्रकार से काम में आता है। तो HDMI के लिए काम में आएगा, ये USB डिवाइस है, इसको कंप्यूटर में लगा करके आप काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये आपको लाइव टेलीकास्ट के लिए काम में आएंगे। तो इस प्रकार से ये बटन हमारे काम में आते हैं, और ऑडियो बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कहीं भी उस प्रकार से काम आ सकते हैं। और सबसे मेन फायदा इस कैमरे की यह है कि देखिए फ्रेंड्स इसमें अगर कहीं पर आपको लाइट कम दिखाई दे रही है तो इसमें लाइट का सिस्टम दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा इसका लाइट का बटन ये है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स इस कैमरे की लाइट हमें दिखाई देने लगेगी। इसको हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो इस लाइट का ये फ़ायदा होता है हमें, कभी कभार हमारा अंधेरा है, लाइट कैमरा लाइट नहीं ले पा रहा है, तो हम इस लाइट का यूज करके और कैमरे की लाइट जला करके वीडियो को शूट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो पावरफुल बने, HD बने। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने जो भी कैमरे के बटन हैं सारे बटन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।